अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्ड डे ऑफ ईद मुबारक। आज माशाल्लाह से हमारे घर पे दावत है। कल हमने अपने ननिहाल में दावत करके आए थे, खाकर आए थे दावत, यहाँ पर हमने की समय वालों की दावत की थी आज मम्मा ने। तो मम्मा सुबह से उसी में बिजी थी पूरा सुबह से, क्योंकि मैं तो 12:30 उठी हूँ। जब उठी तो सब चीज़ें रेडी थी, सब कुछ बन चुका था। नहीं, ये ऑब्वियसली मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता, मुझे कुछ बचता ही नहीं है, लकी मी। उसके लिए मैं कल जा रही हूँ वापस कराची, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं परसों से। तो मम्मा को बहुत टेंशन है, पता नहीं क्या होगा, ये बारिशों का कराची के क्या हालात चल रहे हैं, और 5G वगैरह भी सुनने में आए बंद कर दिए हैं। मम्मा थोड़ी परेशान है उस हिसाब से, बट आई डोंट थिंक सो कि मतलब ऐसा कुछ होगा जितना न्यूज़ में दिखाते हैं। हाँ, कराची में तो खैर बहुत बुरा हाल है, बट एग्ज़ाम्स हैं और ये लोग एग्ज़ाम्स पोस्टपोन भी नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो, और ना ही ऑनलाइन तो ये लोग करेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो देखते हैं क्या सीन बनता है उसमें। कल खैर खैरियत से पहुँच जाऊँ, या अल्लाह करे कल मैसेज आ गया कि आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए, कुछ भी हो जाए। आज तो मेरा लोग हमारे घर पे आए हैं सारे, उसके बच्चे वगैरह, हस्बैंड और भी मेरे कज़न्स लोग भी आई हुई हैं। आज बहुत धूप है यहाँ पर, आज ऐसा लग रहा है दोबारा बारिश का नाम निशान भी नहीं है, ख़त्म हो गई बारिश। मेरा दिल थोड़ा सैड है, थोड़ा दिल नहीं करता मुझे वापस जाने का कराची। तो अब मैं देखूँ सामान वामान भी पैक करने हैं आज मुझे। कल मेरी मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई की, मेहनत की। आज मेरी माँ ने बहुत मेहनत की अपने ससुराल वालों के लिए। आए हैं बकरे के, और ये कढ़ाई है, इसे आना। हां, ये कह रहा है वो सुबह से दो शाम के लिए। ए बाबू के ना जो ये जा रहा है बुआ के घर। हत में ना आओ के खा रहे हैं, हत में ना चले। तो ये मुझे अपने ही प्लेट में रखो, चले ना पे हो। हां हनी दी, हाँ आंख बंद कर, बच्चा बाटी इन बुआज होम। तो जी बारिश आई में नहीं मलंग थी ये ब्योले शर्ट सलवार। अच्छा हमारे घर में आज रौनक है थर्ड डे पर, हमारी वजह से, हम हाँ इनकी वजह से, मेहमानों की वजह से रौनक है आज हमारे घर पर। बोलो हसीना आलम, हसीना आलम बोलो, ये इनकी बेटी हसीना आलम। हाँ अरे सब सेम पे लगो प्या। गर्मी में हालत बुरी है। अबे बेरी सबरी के थैंक्स। तो आप भी बता रहे हैं। थैंक्स, तो खड़ा हो जाए ऐसे अच्छा। हेलो बहन है गाना। अब ये लोग सब जा रहे हैं रश करके इनके घर। जस्ट एन अपडेट, इट्स डे टू, नेक्स्ट डे। कल तो हमने बहुत अलग अलग किया, सब आए हुए थे, इंजॉय किया हमने। उसके बाद ना आज मैं वापस जाना था कराची, मैंने बताया था आप लोगों को मेरे कराची जाना है, पता नहीं कैसे हालात है वहाँ के, मेरे एग्जाम्स हैं। आज वेडनेसडे और कल थर्सडे था तो मेरे एग्जाम्स थे, तो मैं आज मैं निकलूँगी 11:30 वाली गाड़ी में। तो
मैं तैयार हो गई, मेरा पूरा बैग तैयार है, मेरा बैग सब ना रेडी करके मैंने रखा हुआ था, मैं फुल तैयार व्यार हो गई थी, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, देखा बस अब मैं निकलूँगी क्योंकि अभी हो रहे हैं 11:15, सही है, तो बस 11:30 मेरी गाड़ी का टाइम था कोच का, मैं गई तो ना मैं बुआ के लोग चली गई कि मैं तो चलो यार मैं जा रही हूँ तो बुआ के कज़न वज़न आएंगे तो एक दिन बात बात कर लूँ, फिर तो वैसे वैसे ही जाना है वहाँ, तो ऐसे तन्हाई हॉस्टल हम लोग होंगे बस, तो एक तो पूरा हमारा भरा भरा घर था, सब मेरी बहनें वहने सब आई हैं, मेरे वगैरह सब आए हुए, तो भरा भरा घर था, मैं सबको छोड़ के जाना बहुत अजीब लग रहा था, मेरा सांस तो मेरा दिल अंदर से रो रहा था, मैं नहीं जा रही, मैं रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा, मैंने दिखाया नहीं ऑब्वियसली, बट मैंने खुद ये चूज़ किया अपने लिए, खुद मेरा अजीब सा दिल था, मैंने कहा यार मैं नहीं जा रही, तो यार वही तन्हाई हॉस्टल में मज़ा नहीं आता मुझे बिल्कुल भी ना, अकेले अकेले बंदा रहता है अपने मुँह, तो अभी मैं घर आई, मैंने घर बैठी हुई थी, तो मैं 11:00 मतलब 11:05 हो रहे थे अभी, पूरे 10 मिनट के बाद मैंने ब्लॉग करी हुई है, 11:00 मैं वहाँ बैठी हुई थी, 11:00 मैं वहाँ से आई आके, मैंने थोड़ा ना बाल वाल सेट किए, मैं कहा जा रही हूँ, मैं लैब कोट पहना, मैं कहा बस आमिर को उठाती हूँ, निकलेंगे हम लोग ना स्टॉप कोच के लिए, मैंने से फ़ोन लिया तो फ़ोन पे ना मैसेज आया हुआ ग्रुप में, मतलब बहुत सारी नोटिफिकेशन आई थी, चार्ज पता फ़ोन मेरा लेके नहीं गई थी बोल उनके घर, जिस नोटिफिकेशन खोला ना मैंने ग्रुप खोला तो मुझे ना था नहीं, मैं कुछ आया भाई मैसेज होगा कोई सिलेबस वाला बता दिया होगा, कोई बता दिया कि बेटा मैं आपके एग्जाम्स यहाँ आना है, लेक्चर हॉल बता दिया होगा यहाँ बैठना है, तो मैंने ऐसे रैंडमली बस मैंने क्लिक किया ग्रुप में, ग्रुप में मैसेज आया हुआ था कि मिड टर्म हैज़ बीन पोस्टपोन्ड फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए मिड टर्म पोस्टपोन कर दिया, एग्जाम्स में एक हफ्ते के लिए बंद, और मतलब मैंने देखा और मैं एकदम मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही, मैंने कहा यार ओ माय गॉड, क्योंकि मेरा बहुत अजीब सा दिल था, 12:00 मैं तो पक्का यही था कि कोई और पढ़ रही हूँ, मैं भाग के मम्मा को बताया, मम्मा ने अपने स्कार्फ्स का भी तैयार बैठी हुई, स्कार्फ्स का उतारा, फिर मैं गई बुआ लोगों के घर खिड़की से, उनको बताया, सब उठ कर आ गए, बच्चे खुश, बुआ मेरी खुश, मेरी बुआ की बेटी सब इतना खुश, चीख रहे बरवानी जा रही चिट्टी, आई विश कि मैं ना वो बना लेती व्लॉग, क्योंकि वो बहुत अच्छा सीन था, मतलब यार सब चीख रहे इतना यार मैं व्लॉग कर लेती, मतलब कि मैं खुद ही मेरी सांस मेरी एक्साइटमेंट और मेरी सांस भी ऐसे हो रही थी, और मम्मा मुझे कहती थी तुम मौसम अच्छा नहीं, तुम सुबह 9 वाली गाड़ी में चली जाओ, तुम 9 वाली गाड़ी में ताकि तुम धनी दिन में वहाँ पहुँच जाओ 1:00, मैंने कहा नहीं मम्मा मैं आराम से पहुँचूंगी, घर ही तो जाना है, तो मैंने कहा नहीं मैं 11:30 वाली गाड़ी में जाऊँगी, सुबह 9 वाली गाड़ी में नहीं जाती, शुक्र है मैं नहीं गया, सुबह 9 वाली गाड़ी में निकलती ना तो अब तक मैसेज आ चुका होता, तो क्या नाम है ना वो मैसेज आ चुका था, मैं रस्ते में पड़ती तो मेरी चिड़ होती मुझे बहुत ज़्यादा, तो बड़ा धूमता ना ना वाला सीन हुआ बहुत ज़्यादा, इतनी खुशी मुझे आज तक, अब रख ये ले, इतनी खुशी आज